नमस्कार दोस्तों, जेके न्यूज नेटवर्क में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीपिका श्रीवास्तव और आज मैं फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने इस सप्ताह की राशिफल के साथ। कैसा रहने वाला है यह पूरा सप्ताह सभी राशि के जातकों के लिए, साथ ही आपको कौन से उपाय करने हैं अपने कार्यों में सफलता की प्राप्ति के लिए, इसकी जानकारी के साथ आज मैं फिर से उपस्थित हुई हूँ। दोस्तों, इस सप्ताह शिवरात्रि का त्यौहार मनाया जाएगा, तो सभी राशि के जातक भगवान शिव को मनाने के लिए, मनोवांछित फलों की प्राप्ति के लिए, भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कौन से उपाय करें, इसकी भी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको देने का प्रयास कर रही हूँ। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कैसा रहने वाला है यह पूरा सप्ताह सभी राशि के जातकों के लिए और कौन से उपाय करने हैं आपको भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, दुखों और तकलीफों को दूर करने के लिए। यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, इसे अपनी नाम की राशि और चंद्र राशि तथा लग्न के आधार पर ही देखें। शुरुआत करूंगी मेष राशि से। मेष राशि के जातकों के लिए यह बदलाव का समय है। अगर व्यावसायिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो व्यावसायिक परिस्थितियाँ एवं निजी संबंध नए होंगे, ताजगी मिलेगी, नए प्रोजेक्ट्स पर आपको काम करने का मौका मिलेगा, कोई नई डील मिलेगी। जो पुराने दिनों कुछ परेशानियों का सामना आपने किया था, उनसे इस सप्ताह आपको निजात मिलेगी। निजी संबंधों की बात करें तो निजी संबंधों में भी आप ताजगी का अनुभव करेंगे। पुरानी समस्याओं को नए नज़रिए से सुलझाने का प्रयास करें, दिमाग के बजाय दिल की सुने। ग्रहों की स्थिति में परिवर्तन के साथ बदलावों का योग बन रहा है। अपने पास्ट को भूलकर आगे बढ़ने का समय है। यह कठिन तो होगा पर आपके जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है, तभी आपकी तरक्की होगी। आपके अनुभव से ही आपके जीवन में आपकी तरक्की के मार्ग प्रशस्त होंगे। जो जातक नौकरी करते हैं उनके लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। जो जातक नई नौकरी की तलाश में हैं उनके लिए भी ये समय शुभ रहने वाला है। देखा जाए तो मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभ फल लेकर आ रहा है। इस सप्ताह आपके लिए शुभ अंक है 4, शुभ रंग है क्रीम और उपाय करना है आपको गुड़ मिश्रित जल से भगवान शिव का अभिषेक करें, लाल पेड़ा और लाल फूल अर्पित करें। अगली राशि है वृष राशि। वृष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है। जो जातक व्यापार करते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा। नई योजनाएं क्रियान्वित होंगी, नए प्रोजेक्ट्स पर काम करने का मौका मिलेगा, जिससे कि आपको भविष्य में फायदा होगा। आपकी आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होगी, तरक्की के और धनागम के नए मार्ग प्रशस्त होंगे। जो जातक लव रिलेशनशिप में है उनके लिए भी यह सप्ताह बहुत ही शुभ रहने वाला है। लव मेट के साथ घूमने फिरने का मौका मिलेगा, आपके प्रेम में प्रगाढ़ता आएगी। जो जातक विवाहित है उनके जीवन साथी के साथ भी उनका समय बहुत ही सुखमय व्यतीत होगा। परिवार का माहौल सकारात्मक रहेगा, परिवार के साथ घूमने फिरने का, मौज मस्ती करने का मौका मिलेगा। यह सप्ताह मनोरंजन से भरा हुआ रहेगा। जो जातक नौकरी करते हैं वो अपने कार्यों में व्यस्त रहेंगे। काम करने के लिए संतोषजनक समय है, वर्क प्लेस का माहौल सकारात्मक रहेगा। जो जातक स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये समय अच्छा रहने वाला है। पिछले दिनों किए गए उनके प्रयासों का इस समय सकारात्मक फल उनको मिलने वाला है। देखा जाए तो वृष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह बहुत ही शुभ रहने वाला है। इस सप्ताह वृष राशि के जातकों के लिए शुभ अंक है 5, शुभ रंग है पिकॉक ब्लू और उपाय करना है आपको दही से भगवान शिव का अभिषेक करें, भगवान को सफ़ेद चंदन, सफ़ेद फूल अर्पित करें। इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी, तरक्की के मार्ग प्रशस्त होंगे। अगली राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह बहुत ही शुभ रहने वाला है। इस सप्ताह आप जिस काम में हाथ लगाएंगे उस काम में आपको सफलता मिलेगी, बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलने की उम्मीद है। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए आपने जो योजनाएं बनाई थी या जो योजनाएं आप बना रहे हैं उसमें भी आपको तरक्की मिलेगी। संभावनाएँ हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति भविष्य में बहुत ही मजबूत होगी।
अभी जो योजनाएं आपने बनाई हैं उन्हें इम्प्लीमेंट करने का बहुत ही अच्छा समय है। यह सप्ताह आपके सभी कार्यों के लिए बहुत ही शुभ परिणाम लेकर आया है। जो जातक व्यापार करते हैं उन्हें व्यापार में तरक्की एवं मुनाफा मिलने के योग हैं। नए प्रोजेक्ट्स पर काम करने का मौका मिलेगा, नए लोगों से संबंध बनेंगे, कॉन्टैक्ट्स बनेंगे, विदेशों से भी धन लाभ होने के योग दिखाई दे रहे हैं। कहीं भी इन्वेस्ट करने के लिए ये समय उत्तम है। जो जातक नौकरी करते हैं उनके लिए ये समय अच्छा रहने वाला है। वर्क प्लेस का माहौल अच्छा रहेगा, परंतु बात करेंगे अगर आपके पारिवारिक जीवन की तो परिवार का माहौल थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है। तनाव का वातावरण रहेगा। धैर्य एवं सामंजस्य बनाए रखें। जीवन साथी के साथ मनमुटाव होने की उम्मीद है। अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं तो लव मेट के साथ आपका समय अच्छा गुजरेगा। साथ ही आपके मित्रों के साथ भी आपका समय अच्छा गुजरेगा। उनका सहयोग मिलेगा आपके किसी आवश्यक कार्य में आपको, जिससे कि आपका कार्य आसानी से करने में आपको सहायता मिलेगी। देखा जाए तो मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कुछ मामलों में थोड़ी बहुत परेशानियां लेकर आया है, परंतु ओवरऑल मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह बहुत ही शुभ रहने वाला है। सप्ताह आपके लिए शुभ अंक है 6, शुभ रंग है ब्लू और उपाय करना है आपको गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक करें, उन्हें कुश अर्पित करें। अगली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह बहुत ही संभल कर रहने वाला है। इस सप्ताह आपको बहुत ही ज़्यादा मर्यादित व्यवहार करना है। अपनी मर्यादा का उल्लंघन ना करें, अन्यथा आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आजीविका के क्षेत्र में आपके सहयोगियों के साथ आपका तालमेल अच्छा रहेगा, तभी आप आगे अच्छी तरह से काम करने में सक्षम रहेंगे। उनका सहयोग मिलेगा आपको, अन्यथा आपको वर्क प्लेस पर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस सप्ताह आप बहुत ही ऊर्जावान महसूस करेंगे, परंतु फिर भी आपके मन में दिमाग में आलस्य छाया रहेगा, जिसकी वजह से आपको परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। इसलिए आलस्य से बचने का प्रयास करें। बहुत कुछ देखना व अर्जित करना है आपको, इसलिए कार्यों में व्यस्त रहने का प्रयास करें। वित्तीय मामलों में थोड़ा सतर्क रहे, हालांकि वित्तीय लेन देन सुचारू रूप से चलता रहेगा। कोई प्रिय इस सप्ताह आपसे मिल सकता है, जिसके मिलने से आपको खुशी मिलेगी, आपके जीवन में खुशी का संचार होगा। आपके स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशानियां आ सकती हैं, इसलिए अपने स्वास्थ्य की अनदेखी बिल्कुल भी ना करें और अपने काम व खान पान की अतिरेक से बचें। पारिवारिक समस्याओं के हल के लिए आपको अपने नज़रिए में बदलाव लाने की आवश्यकता होगी, तभी आप अपने परिवार की समस्याओं को हल कर पाएंगे। अपनी खुशियों को दूसरों के साथ साझा करें तो आपकी खुशी दुगनी हो जाएगी। देखा जाए तो कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिले जुले परिणाम मिलने वाले हैं। कुछ मामलों में आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। इस सप्ताह आपके लिए शुभ अंक है 9, शुभ रंग है पिंक। उपाय करना है आपको कच्चे दूध से भगवान शिव का अभिषेक करें और सफ़ेद आर्क एवं घी अर्पित करें, इससे भगवान शिव का आशीर्वाद मिलेगा आपको। अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह बहुत ज़्यादा अनुकूल दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए बहुत ही रिजर्व रहने का प्रयास करें। अपने दायरे में सीमित रहें, अधिक फैलाव ना करें, कोई भी रिस्क ना लें, किसी भी प्रकार का जोखिम लेने से बचें। साथ ही आपके वर्क प्लेस में सहयोगियों एवं मित्रों के साथ बहुत ही ज़्यादा सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने की कोशिश करें, अन्यथा आपके सहयोगियों के कारण आपको परेशानी हो सकती है। आपके सहकर्मी वर्क प्लेस पर आपके खिलाफ राजनीति कर सकते हैं। जो जातक नौकरी करते हैं उनके ट्रांसफ़र का भी योग बन रहा है, परंतु यह ट्रांसफ़र मनचाहा नहीं होगा, इसलिए वर्क प्लेस पर बहुत ही ज़्यादा सूझबूझ के साथ काम करने का प्रयास करें, मेल जोल बढ़ा कर रखें। इस सप्ताह किसी स्वार्थी व्यक्ति से बचने का प्रयास करें, अन्यथा उनकी वजह से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपके अच्छे बर्ताव का फायदा वो उठा सकते हैं। सुख सुविधा के साधनों व घूमने फिरने पर स्टाइल पर खर्च करेंगे, इसलिए खर्चों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करें।
किसी भी प्रकार के व्यावसायिक निर्णय लेने में बहुत ही सोच विचार कर आगे बढ़े, किसी भी प्रकार के भावुकता में कोई निर्णय ना ले, अन्यथा आपको आपके व्यापार में हानि का सामना करना पड़ सकता है। देखा जाए तो सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह परेशानियां लेकर आ रहा है, बहुत ही सतर्कता के साथ आपको आगे बढ़ना है। शुभ अंक होगा 9, शुभ रंग है स्काई ब्लू और उपाय करना है आपको गुड़ और चावल से बनी खीर का भोग भगवान शिव को लगाएं। अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है, संतुष्ट रहेंगे, आध्यात्मिकता की ओर आपका रुझान बढ़ेगा, भौतिक लाभ व भावनात्मक उत्कर्ष प्राप्त करेंगे। व्यवसायिक जिम्मेदारी आपको काबिलियत साबित करने का मौका देगी, जिसमें आपको सम्मान की प्राप्ति होगी। जो जातक कला से रिलेटेड कार्य करते हैं तो कला संबंधी गतिविधियों में आपकी रुचि बढ़ेगी, आपको सम्मान मिलने का योग बन रहा है। दूर दराज से अथवा परिवार में किसी दूर के रिश्तेदारों के आने का योग बन रहा है और खुशखबरी मिलने का भी योग बन रहा है। अपने काम और स्वास्थ्य पर ध्यान रखना होगा, परिवार के सहयोग से जीवन में आपके खुशियाँ आएंगी, परिवार का माहौल सकारात्मक रहेगा, परंतु धन के अपव्यय से बचना होगा। जीवन साथी की भावनाओं की कद्र करें, अन्यथा नोकझोंक की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, आपकी किसी बात से उनको तकलीफ पहुंच सकती है, इसलिए सामंजस्य एवं धैर्य बनाए रखें। देखा जाए तो कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिले जुले परिणाम लेकर आया है। इस सप्ताह आपके लिए शुभ अंक है 3, शुभ रंग है पॉमग्रेनेट रेड। उपाय करना है आपको गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक करें। अगली राशि है तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह बहुत ही अच्छा रहने वाला है, आपके भाग्य का आपको साथ मिलेगा, कार्यक्षेत्र में आपके संपर्क बढ़ेंगे, जिससे भविष्य में आपको फायदा होगा, लाभ की प्राप्ति होगी। मित्रों का भी आपको सहयोग मिलेगा, जिससे कि पुराने दिनों के रुके हुए अटके हुए कार्य पूरे होंगे, कार्यों का समाधान मिलेगा। सप्ताह के अंत में आपके व्यापार और कार्यक्षेत्र से रिलेटेड यात्राओं का योग बन रहा है, जो आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होंगे। घरेलू सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य के लिए यह समय थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण है, अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें, अन्यथा आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही इस सप्ताह जो जातक लव रिलेशनशिप में हैं, उनके साथी के साथ उनका समय बहुत ही अच्छा गुजरेगा। जो जातक अविवाहित हैं, उनके विवाह की बातें हो सकती हैं। इस सप्ताह आपका विवाह कहीं तय हो सकता है। ये देखा जाए तो तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह बहुत ही अच्छा रहने वाला है। शुभ अंक है 1, शुभ रंग है ऑरेंज और उपाय करना है आपको श्रीखंड का नैवेद्य भगवान शिव को अर्पित करें। अगली राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह बहुत ही शुभ रहने वाला है। आपका प्रभाव आपके वर्क प्लेस पर और आपकी सोसाइटी में, आसपास के माहौल में बना रहेगा, आपको सम्मान की प्राप्ति होगी। इस सप्ताह सृजनात्मक प्रवृत्तियां शिखर पर होंगी। शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों की पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी, जिसका फायदा उन्हें भविष्य में मिलेगा। जो जातक लव रिलेशनशिप में हैं, उनके प्रेम में प्रगाढ़ता आएगी, संबंधों में मजबूती आएगी। जो जातक विवाहित हैं, जीवन साथी के साथ भी उनका समय बहुत ही अच्छा गुजरेगा, उनके संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। जो जातक व्यापार करते हैं, उनके व्यापार में तरक्की एवं लाभ के अवसर उनको प्राप्त होंगे, जिससे कि उनके भविष्य में उनको बहुत ही फायदा मिलेगा। आप जीत के पथ पर हैं, अपने प्रयासों पर अड़े रहें तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। देखा जाए तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह बहुत ही शुभ फल लेकर आया है। इस सप्ताह आपके लिए शुभ अंक है 5 और शुभ रंग है क्रीमी वाइट। उपाय करना है आपको भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करें। अगली राशि है धनु राशि। धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह थोड़ी बहुत परेशानियां उत्पन्न कर सकता है। इस सप्ताह आपके खर्च से संबंधित आपको परेशानियां हो सकती हैं, आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर हो सकती है, जिससे कि आपको मानसिक तनाव भी हो सकता है। इस दौरान आपका व्यवहार
बहुत ज़्यादा आक्रामक भी हो सकता है, इसलिए अपने गुस्से पर भी कंट्रोल करने की आवश्यकता है। वैवाहिक जीवन में भी उथल पुथल मच सकता है, इसलिए धैर्य एवं सामंजस्य बनाए रखें। जो जातक विद्यार्थी हैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, तभी उन्हें अपने अपकमिंग एग्जाम्स में सफलता मिलने के चांसेस बनेंगे। गुरुवार का दिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। गुरुवार को रिश्ते, अवसर और विरोध एक साथ आपके जीवन में प्रवेश करेंगे। आपको सामंजस्य बनाए रखना है, सोच विचार करके कदम आगे बढ़ाना है। साहस व मजबूती के साथ सामना करने में आप सक्षम हैं। बदलावों का स्वागत करने के अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं है, आप नए अनुभवों के लिए तैयार हैं। इस क्रम में प्राथमिकताओं व नज़रिए में बदलाव आएगा। आपकी सेहत से रिलेटेड आपको परेशानियां हो सकती हैं, इसलिए अपने संतुलित खान पान व व्यायाम पर ध्यान केंद्रित करें तो अच्छा रहेगा। परिवार का माहौल सामान्य रहेगा, परंतु कुछ बातों में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। धैर्य एवं सामंजस्य बनाए रखें। जीवन साथी के साथ भी मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जो जातक लव रिलेशनशिप में हैं उनके जीवन में भी थोड़ी बहुत परेशानियां हो सकती हैं। देखा जाए तो धनु राशि के जातकों के जीवन में इस सप्ताह स्पेशली निजी जीवन में देखा जाए तो धनु राशि के जातकों के निजी जीवन में इस सप्ताह कुछ अप्रत्याशित बदलाव होंगे, इसलिए बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहें। धैर्य एवं सामंजस्य बनाए रखें तो बेहतर होगा। इस सप्ताह आपके लिए शुभ अंक है 7, शुभ रंग है फायरी रेड। उपाय करना है आपको, हल्दी मिश्रित दूध से भगवान शिव का अभिषेक करें। अगली राशि है मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह बहुत ही शुभ रहने वाला है। आपके मनोवांछित इच्छित फलों की आपको प्राप्ति होगी, परंतु सेहत का विशेष ख्याल रखें। सेहत से संबंधित आपको परेशानियां हो सकती हैं। पारिवारिक जीवन हर्ष में रहेगा, धार्मिक कार्यों में भी आपका समय व्यतीत होगा, साथ ही परिवार के साथ आपको घूमने फिरने का मौका मिलेगा। आपके परिवार में कोई धार्मिक कार्य हो सकता है, परिवार का माहौल सकारात्मक बनेगा। आपके बीच की गलतफहमियां इस समय दूर होंगी, पुराने घाव भरने के योग बन रहे हैं, परंतु आपके ईगो के कारण थोड़ी बहुत परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं, इसलिए अपने ईगो को कंट्रोल में रखें और साथ ही अपनी वाणी और अपने गुस्से पर भी संयम रखें। कुछ चिंताएं भी हो सकती हैं, परंतु चिंताएं आपके लिए बहुत कुछ बातों को लेकर आप चिंतित भी हो सकते हैं, परंतु मानसिक तनाव लेने से बचें, भावुकता के अतिरेक से बचें, अन्यथा यह आपके बाहरी जीवन के बदलावों को प्रभावित करेगा और आप जहां संतुष्ट हैं वहां भी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अपने अंतर मन को समझने का प्रयास करें। सांसारिक उपलब्धियों के मुंह से निकलकर जो आपका मन कहे आप वही करें तो यह सप्ताह आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। इस सप्ताह आपके लिए शुभ अंक है 4, शुभ रंग है गोल्डन येलो और उपाय करना है आपको, उड़द से बनी हुई मिठाई भगवान शिव को अर्पित करें। अगली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिले जुले परिणाम लेकर आ रहा है। घर व कार्यस्थल की परिस्थितियों पर नियंत्रण रखने के तरीके आपने निर्मित कर लिए हैं, लेकिन वो आपकी सीमाओं व तनाव का कारण भी है। नियंत्रण खोने का डर लोगों से आपके जुड़ाव व तरक्की को रोकता है। परिस्थितियों को वश में करने का मोह त्याग कर जीवन के प्रवाह के साथ आगे बढ़ें, अनुभव का आनंद लें। कुछ गलत होने पर चिंतित ना हो, गलतियाँ ही सही, आपको आगे बढ़ने के नए मौके मिलते रहेंगे। नए विचारों को अभिव्यक्ति दें तो यह सप्ताह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। साथ ही अगर आपने कहीं घूमने फिरने का प्लान बनाया है तो अपने घर की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर ले। परिवार में किसी से भी विवाद हो सकता है। साथ ही जो जातक लव रिलेशनशिप में हैं उनके लिए भी थोड़ी बहुत परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं, गलतफहमियां हो सकती हैं। सामंजस्य एवं धैर्य बनाए रखें, भावनाओं को समझने का प्रयास करें।
जीवन साथी के साथ भी थोड़ी बहुत परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। अपने जीवन साथी की भावनाओं की कद्र करें। देखा जाए तो कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह थोड़ी बहुत परेशानियां लेकर आ रहा है, परंतु बहुत सारे मामलों में आपके लिए यह सप्ताह शुभ परिणाम लेकर आया है। शुभ अंक है 6, शुभ रंग है लाइट, शुभ अंक है 6 और शुभ रंग है ग्रे। उपाय करना है आपको, तिल के तेल से भगवान शिव का अभिषेक करें। अगली राशि है मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह थोड़ी बहुत परेशानियां लेकर आ रहा है। आप अपने अंतर्मन व बाह्य भूमिकाओं का अवलोकन करें। जरूरत के अनुरूप आप मुखौटा बदलते हैं। मैं आप महसूस करेंगे कि लोगों को प्रभावित करने के लिए किसी मुखौटे की जरूरत नहीं है, बल्कि सच्चाई ही पर्याप्त है। आपके कौशल निखारने पर आप जोर देंगे। जो कार्य पूर्ण होने ही वाले हैं, उन्हें अधूरा छोड़ने से बचें, अन्यथा भविष्य में आपको उसी कार्य की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अपने साथी के प्रति ईमानदार रहें एवं प्रेम जताएं। जो जातक विवाहित हैं, उनके लिए भी ये समय थोड़ी बहुत चुनौतियों वाला हो सकता है। जीवन साथी के साथ मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। साथ ही इस सप्ताह यात्राओं का भी योग बन रहा है, परंतु ये यात्राएं आपके लिए सफलतादायक होंगी। घर में मेहमानों का आना जाना भी लगा रहेगा। मानसिक और शारीरिक थकावट बनी रहेगी। शत्रु पक्ष पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। अत्यधिक दौड़ धूप करनी पड़ सकती है। इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में मध्यम फल प्राप्त होगा। देखा जाए तो मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिले जुले परिणाम वाला रहेगा। शुभ अंक है 7, शुभ रंग है फॉरेस्ट ग्रीन और उपाय करना है आपको, केसर युक्त दूध से भगवान शिव का अभिषेक करें। दोस्तों, यह तो था इस सप्ताह का राशिफल कुछ विशेष उपायों के साथ। आशा करती हूँ यह सप्ताह आपके लिए बहुत ही शुभ हो, आपके शुभ फलों में वृद्धि हो, आपके सभी मनोवांछित कार्य पूर्ण हो। इसी उम्मीद के साथ अपना ये वीडियो समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।